आज की वीडियो में दोस्तों हम ये क्रैकर तैयार करने लगे हैं। इसमें हमने कोई स्पेशल क्रैकर पेंट नहीं लगाया। बेस की जो बात की जाए तो बेस में ऑयल पेंट लगाया है, जिसको एनामल पेंट भी कहते हैं। पेंट लगाने की बात की जाए तो ये ब्रश के साथ ही लगाना है, ये रोलर के साथ नहीं लगाना, क्योंकि ये स्पेशली क्रैकर पेंट तो है नहीं। बेस को खुश्क होने के लिए तकरीबन 24 घंटे देने हैं। क्रैकर पेंट को तैयार करने के लिए हमको वुड ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको फेविकोल कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास है सुपर एमल्शन, जिसको डिस्टेंपर कहते हैं। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन आधे गैलन से भी कम है, तकरीबन एक क्वार्टर के बराबर इसमें ये एमल्शन है। तो इसके हिसाब से हम इसमें जो है ना ये ग्लू, ये तकरीबन आधे किलो से भी कम डालेंगे। अगर मुकम्मल गैलन हो तो इसमें तकरीबन एक किलो जो है ना ग्लू, ये इसमें इस्तेमाल होती है। और क्वालिटी की बात करें तो इसमें जो ग्लू इस्तेमाल करनी है ये अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। पेस्ट तैयार कर लिया है क्रैक के लिए, तो अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास है कलर वार्निश, सिंथेटिक कलर वार्निश, किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए टॉरपीनॉल की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम जो बेस हमने तैयार की थी, तो अब इसके ऊपर हम ये कलर वार्निश पहले ये लगा लेंगे। तो इसको तकरीबन ज़्यादा टाइम तो नहीं देना खुश्क होने के लिए, तकरीबन इसको जो है ना 4 से 5 मिनट देने हैं। वार्निश लगा ली हमने, तो अब इसके ऊपर जो है ना ये हम पेस्ट लगाने लगे हैं। तो ये तकरीबन 4 से 5 घंटे तो ले जाता है क्रैक होने के लिए, क्योंकि ये ऐसा दस्ता जो है ना क्रैक होना शुरू होता है। ये तकरीबन जो है ना 10-15 मिनट के बाद जो है ना ये क्रैक होना शुरू हो जाता है। तो आपने लगाते जाना है, आपने ये नहीं देखना कि यार क्रैक तो निकल नहीं रहा है। तो ये तकरीबन 10-15 मिनट के बाद जो है ना ये शुरू हो जाता है क्रैक होने के लिए। तो आस्ते आस्ते जो है ना ये क्रैक निकलता जाता है। तो तकरीबन 4-5 घंटे के बाद जो है ना ये अच्छी तरह से क्रैक हो जाता है। ये अब क्रैक होना शुरू हो गया है, ये आस्ते आस्ते जो है ना ये क्रैक होता जाएगा। ये तो लाइक ना सकते हो मैन।